जब कृषि उत्पादों की निर्यात की बात आती है तो इसमें पुरातन काल से ही दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का अहम रोल रहा है। इसका कारण एक तो यहां का मौसम, यहां की मिट्टी है और दूसरा समंदर के रास्ते विश्व से आसान कनेक्टिविटी। साउथ इंडिया की इसी ताकत को हम न्यू इंडिया के एग्रो एक्सपोर्ट की भी शक्ति बनाना चाहते हैं। कर्नाटका हो, केरल हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहां हॉर्टिकल्चर और मसालों से जुड़े प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट की व्यापक संभावनाएं हैं। यही कारण है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से विशेष एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं। इसका लाभ कर्नाटका को भी हुआ है और दक्षिण के राज्यों को भी हुआ है। सरकार द्वारा बेलगांव और मैसूर के अनार, चिक्का बल्लापुरा और बेंगलुरु का गुलाबी प्याज, चिक्का मंगलुरु, कोडागो और हासन की कॉफी, लाल मिर्च, इनको बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर की पहचान की गई है। हमारा प्रयास है कि हर ब्लॉक, हर जिले के विशेष प्रोडक्ट की पहचान करके उसकी वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं वहां विकसित की जाएं। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण भारत द्वारा मसालों के उत्पादन और निर्यात दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत में मसाला उत्पादन 25 लाख टन से अधिक बढ़ा है तो एक्सपोर्ट भी करीब 15,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।